हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को लेकर के है। और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में खास क्या है, आइए आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमारे पास एक नेम की लिस्ट मौजूद है और इसमें फर्स्ट नेम और लास्ट नेम एक ही साथ लिखे हुए हैं। हम इनको चाहते हैं एक्सट्रैक्ट करना, यानी कि फर्स्ट नेम अलग आ जाए और लास्ट नेम अलग आ जाए। इसके कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन एक जो कॉमन तरीका है वो आप ये करते हैं कि यहाँ पर फर्स्ट नेम लिखते हैं, फिर यहाँ पर लास्ट नेम लिखते हैं, इस तरीके से, ठीक है। फिर यहाँ पर आते हैं, फिर यहाँ फर्स्ट नेम लिखते हैं, जो भी दिया हुआ है तो ये लिखा, और फिर यहाँ पर लास्ट नेम लिखते हैं, लाइक यहाँ पे जैसे लिखा गया बिल्कुल वैसे ही। तो ये इस तरीके से करके चलना, ये एक रॉन्ग मेथड हो जाएगा और ये काफी टाइम टेकिंग हो जाएगा। ये टाइम टेकिंग ना हो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, लिखिए आर ए एम राम, जैसे लिखा हुआ एक लिख लीजिए, केवल एक लिख लिया, ठीक है, सेविंग है तो यहाँ पर आपने लिख दिया राम, एक लिख दिया केवल। और ये लिख करके आपको क्या करना है, डेटा टैब पे जाना है और यहाँ पर जरा ध्यान से देखिएगा, डेटा टैब पे जाने के बाद, अब ये डेटा टैब पे चले गए और यहाँ पर जाने के बाद आपको कंट्रोल ई प्रेस करना है, या तो कंट्रोल ई प्रेस कर दीजिए, नहीं तो यहाँ पर आपको मिलेगा फ्लैश फिल ऑप्शन। तो जैसे ही आप फ्लैश फिल पे क्लिक करेंगे ना, सारा नेम ऑटो फिल हो जाएगा। अब लास्ट नेम की बात आती है, तो यहाँ पर पहला नेम क्या है, सिंह है, तो यहाँ सिंह लिख लीजिए। और फिर वही काम करना है आपको कि यहाँ पर क्लिक रखते हुए वापिस से फ्लैश फिल पे क्लिक करना है और सब फिल हो जाएगा अपने आप। तो कैसी लगी ये शानदार ट्रिक, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।